SBS News, सच का साथी। ठाकुरगंज धवन मर्डर पर सियासत तेज, समाजवादी सर्कुलर मोर्चा के शिवपाल सिंह यादव परिवार से मिले और परिवार को हर मुमकिन कोशिश की थी संभावना। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करी कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए और दोषियों को फांसी की सजा की सरकार। जी अभी जो है शिवपाल यादव मिलने आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने ये आपको? जबकि इनके फोटो भी उनके पास है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बस खाली यूं ही आते हैं, एक बार गाड़ी लेके इधर घूम के चली गई, अभी कोई नहीं आते हैं। उनको आप कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए और मेरे बच्चों को ही साथ चाहिए। मेरे भैया दोनों छोटे बच्चों को सचवाने में माता जी, जिस तरीके से आपके दो बच्चों की हत्या की गई है उसको देखते हुए आपके परिवार को खतरा है, तो उसको सुरक्षा को लेकर आपने सरकार से या शासन प्रशासन से बात की, तो क्या आपको आश्वासन दिया गया? तो माता जी, किसी तरीके की पुरानी रंजिश थी क्या जिसलिए उनको मार गया? तो क्या उनको घर से बुला के ले गए? घर से बुला के ले गए, बुला ले गए घर से। क्या हुआ था परी घटना बता दी, किस तरीके से उसको अंजाम? ये बच्चे मेरे ऊपर, वो गाड़ी लेके निकले इधर से, तो हमने कहा बोले हम यही लेंगे थे, और यहाँ तो गाड़ी से आए थे, फोन करा बुलाया मेरा बच्चा करके, वो जो गाड़ी चलाता था किराए की वो ना वही लेके गए। बस वहाँ मुसाहिबगंज गली में घुसेर के गाड़ी उनकी खड़ी कराई बजरंगी स्कूल के पास, वहाँ पुलिया में गाड़ी खड़ी आगे के खड़ी कर। वही चक्की है ठाकुर की, चक्की है ठाकुर के वहीं पे मारा मेरे बच्चों को। वहाँ जब तक मुहर्रम का चांद हुआ, जब तक पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस नहीं आया, वो लड़का एक फोन किया सौ नंबर, पुलिस नहीं आई, कई आदमी नहीं आई, पुलिस के थाने में ताला पड़ गया, ताला तो पड़ा नहीं था, यूँ बहुत जल्दी यहाँ मेरे भैया को उठा के ले गए थे। माता जी, जो आश्वासन आपको कल दिया गया था 5 लाख रुपए का, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? सर, आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? आईडी नीचे रखे भैया, थोड़ी नीचे कर लो, चलो चलो। हाँ चलो, ये जो दोनों अपन आईडी भैया लड़के थे जी, ये मेरे पार्टी के नौजवान लड़के जी, और एक 20 साल का था, एक 18 साल का था जी, और यहाँ से बुला करके जी सबके सामने जी दोनों बहुत ही गंभीर और दुखित घटना। अब ये जो हमारे नौजवान बच्चे थे, अब उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता जी, लेकिन जो मारने वाले हैं उनको कम से कम फांसी की सजा तो होना चाहिए। सर, इसमें आपने अपनी पार्टी में क्या सहायता प्रदान करने के लिए इनको दिया है? अभी तो हम आए हैं यहाँ जी, मैंने सुना है परसों तो बाहर जी आए हैं, तो हम यहाँ पर आए जी। अभी तो हमारी सरकार से मांग है जी, वैसे तो जान की कोई कीमत नहीं होती जी जी, और जान की कभी कीमत को कोई दे भी नहीं सकता है। नौजवान बच्चे शिवपाल जी, जो मुआवजा दिया गया है 18 साल के 20 साल के मुआवजा तो ना के बराबर है, कम से कम दोनों नौजवानों को एक करोड़, और जो बेटा है एक बेटी भी है, एक बहुत छोटा बेटा है, और कम से कम एक करोड़ रुपया, और नौकरी, और यहाँ सुरक्षा का इंतजाम अभी अभी तुरंत हो जाना चाहिए। शिथिल रहा है सब मामले में, और लगातार हत्याएं हो रही हैं राजधानी जैसी जगहों में, दूर दराज के क्षेत्रों की तो बात छोड़ दें,
तो इसको किस तरह से ले रहा है? कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्वराज नीचे कर लो यार, आपका ऊपर कर देंगे। और बिल्कुल इकबाल हो चुके हैं सरकार और प्रशासन अधिकारी तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर। तुरंत अगर प्रशासनिक अधिकारियों के अगर पूरी डर हो भय हो तुरंत मौके पर पहुंच जाए। और हत्यारे तो पहले से पता चल जाते हैं ना, हाँ, तो सीसीटीवी पर है पूरा पूरा किस तरीके से हमारा है। तुरंत तो 300 मीटर दूरी का पुलिस थाना है, तो जब यहाँ पर ये पहले तो लाठियों से मार रहे थे, फिर उसके बाद गोली मारी, तो ये तो मौके पे पकड़े जा सकते हैं। अगर पुलिस तुरंत मौके पे पकड़े, शिवपाल जी इसमें अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, तो तुरंत गिरफ्तारियां हो करके तुरंत उन्हें कम से कम सजा मिले, बल्कि तो ऐसे लोगों की तो फांसी की सजा तुरंत होनी चाहिए।